Good morning, everyone. I hope you all have studied all the previous chapters till poverty, which I have taught you earlier. And now we are going to start a new chapter, Human Capital Formation. And I hope you will enjoy it very much. Now, human capital. Human is insan, you know that. Basic question arises, what is economic growth? Why are we studying this human capital formation? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग human capital formation? क्या होता है human capital? कहाँ काम आता है ये human capital? तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि economic growth क्या होता है और वो कैसे achieve होती है, क्योंकि whatever we do it for our economy's growth. I told you earlier also, wherever growth word comes, directly link it with your GDP. आपकी GDP बढ़ती है. GDP क्या है? Your ability to produce goods and services. If the production of the goods and services increases, GDP increases. If income increases, GDP increases. So, whenever economic growth term comes, please try to link it with the GDP. Now, what is economic growth? An increase in the economy's ability compared to the past periods. पहले से अभी कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, एबिलिटी हमारी कितनी बड़ी है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द चेंज इन जीडीपी ऑफ अवर कंट्री. कि अगर हमारी जीडीपी सही होती है तो हम कह सकते हैं, जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग. अब क्या कन्वर्ट करना है? सबसे पहला आया फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड. हमारे पास जमीन पड़ी हुई है, लैंड है, अगर उसके ऊपर हम कुछ फैक्ट्री बना दें, फिजिकल रिसोर्स को हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, फैक्ट्री पे काम होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड, लैंड खाली पड़ा हुआ है, इफ वी कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन विल डेफिनेटली इंक्रीज, एंड व्हेन प्रोडक्शन विल इंक्रीज, जीडीपी विल इंक्रीज. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल रिसोर्सेज, वी आर ऑल्सो हैविंग द ह्यूमन रिसोर्सेज. लोग भी तो हैं हमारे पास. हमारे यहाँ सिर्फ मशीनें काम थोड़ी करती हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए लोग भी चाहिए. अगर उन लोगों को कोई, अगर मशीन के बारे में नहीं बताया गया, कुछ एजुकेशन नहीं दी गई, तो विल दे बी एबल टू ऑपरेट दैट मशीन? नो. सो वी हैव टू मेक द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो, वी हैव टू कन्वर्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज. What are the human resources? We convert students, like you people are students, you are not working anywhere, you are not earning. हमारी अभी आप हमारी अर्निंग जो लेबर फोर्स है उसमें नहीं आते आप लोग, तो यू आर स्टूडेंट. अब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप अभी ट्वेल्थ करोगे, उसके बाद जाके कुछ ना कुछ, कोई बी कॉम करेगा, कोई बी बी ए करेगा, आगे एम बी ए करेंगे, उसके बाद जॉब्स करेंगे, कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटीज करेंगे, कुछ एम सी एस करेंगे, कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज कंप्यूटर फील्ड आई टी फील्ड में लेके आएंगे. तो अभी स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करना इंटू ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. And physical capital and human capital. अब इन दोनों में अंतर क्या है? Physical capital is tangible asset created by humans, which is used in production. जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो. Main छूने की बात है, देख तो आप human को भी सकते हो, but आप उसकी services को छू नहीं सकते. You can see me, but you cannot touch my teachings. मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसे नहीं छू सकते, मेरी services को आप नहीं छू सकते, right? मेरी skills को आप नहीं छू सकते. What is human capital? Collective skills. Knowledge of individuals that can be used to create economic value. वो knowledge हम लोग यूज करें जिससे कि हमारी अपनी economic value हो. Market में हमें कुछ, अगर हम लोग कहीं पे भी job लेने जाते हैं तो हमें बदले में कुछ salary offer की जाती है कि हम आपको इतना दे सकते हैं. जिसके पास knowledge ज्यादा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, degrees ज्यादा है, skills ज्यादा है, काम ज्यादा सीख, उसको ज्यादा पैसे. तो economic value हमारी, और जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं उसकी economic value और एक doctor की economic value में अंतर होगा, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी स्किल्स नॉलेज को बढ़ाया, बट जो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, उसने नहीं बढ़ाया. वो मजदूर का काम कर रहा है, डॉक्टर डॉक्टर इज सर्विंग एज अ डॉक्टर एंड ही इज अर्निंग मच मोर अमाउंट देन दैट लेबर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. फॉर्मेशन इज लाइक, अब हम उसको एजुकेट करेंगे, हम फॉर्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्ट करना, ह्यूमन में इन्वेस्ट करना, उसको पढ़ाओ लिखाओ, ट्रेनिंग दो, उसकी हेल्थ अच्छी रखो, जिससे कि वो प्रोडक्शन करे, इकोनॉमिक वैल्यू उसकी इंक्रीज हो. नाउ वी स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल वन बाय वन. नेचर,
In physical capital, tangible and physical capital are tangible and they can be easily sold in the market. Human capital are intangible. You cannot touch it and it cannot be sold in the market. आप हमारी skills को जो भी आपके अंदर जो भी skills हैं उसको कोई नहीं बेच सकता. Tangible चीजों को बेच सकते हैं. Second, depreciation. Physical capital depreciates with the passage of time. एक machine है, आप उसे use करोगे उसकी value कम होगी. और human capital से क्या है? Depreciation can be reduced by making investment in health and education. अब human capital का depreciation यहाँ पे इंसानों में नहीं है. यहाँ डेप्रिसिएशन मशीन्स का ही बोला गया कि अगर हम लोगों को एजुकेशन दें, लोगों की हेल्थ ठीक रखें, तो वो मशीन्स को भी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. जो मशीन्स की डेप्रिसिएशन है उसको हम कम कर देंगे. से फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग अ मशीन विच आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट. वॉट विल आई डू? खराब कर दूंगी मैं उसको, उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी. बट इफ आई नो दैट कि इसको कैसे यूज करना है, तो मैं उसे अच्छे से चलाऊंगी, अच्छे से यूज करूंगी, उसकी वैल्यू जो कम हो रही है वो कम रिड्यूस होगी. राइट? I hope you understand my point. Third point is mobility. Mobility means जो एक जगह से दूसरी जगह transfer हो सके. So physical capital are more mobile between countries. Countries के बीच में transactions, import, export हम लोग capital का machines का करते रहते हैं. But less mobile between the countries as compared to physical capital. Human capital बहुत ज़्यादा transfer नहीं करती कि आज लेके चले गए machine, उन्होंने खरीद लिया, machine खरीद ली, हो गया, बंदा खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है ना. Although some people of here migrate to the other countries to serve that country to earn more amount. Migration is always done due to earning more amount of salary. So, but if we talk about human capital, it is less mobile as compared to physical capital. And separation, physical capital can be separated from its owner. जो उसका मालिक है, आप उससे separate कर सकते हो. आप उससे machine उठा के ले आओ, वो आपके पास आ जाएगी. But human capital cannot be separated from the person. That means the skills of a person cannot be separated from him. I hope you understand this point. Now, formation, it can be built through imports. Physical capital we can import also, but human capital we cannot import. It is, I'm reading it, maybe it is not shown on your video, on your screens, due to my photo. Formation is to be done through conscious policy formations. I'm reading it again. Formation is to be done through conscious policy formation for formulations. Policy formulate करते हैं हम लोग, policy बनाते हैं ध्यान देकर कि किस तरह से हम लोगों को educate कर सकते हैं, लोगों को skills दे सकते हैं. तो यहाँ formation आता है policy formation से. I hope you understand my point. Now come to human capital formation. Now here we are talking about investment in human. Capital formation is a term which is used which can be replaced by investment. Capital formation, कोई capital बनाना, आपने invest किया उसके अंदर, अब human को बनाना, अब यहाँ पे human को capital बनाने की बात हो रही है. Capital क्या होता है? जिसे आप कहीं लगा रहे हो और उससे आप earning कर रहे हो, ठीक है. तो human capital formation, that means to increase the skills. अब ये है क्या? Human capital formation refers to development of abilities and skills among the population of the country. कि उनकी abilities और skills को बढ़ाओ लोगों की, जिससे कि हमारे human capital जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, form होगी. And it can be achieved by, कैसे होगा? Investing in human capital. पैसा लगाओ उनके अंदर. पैसा किस form में लगाओ? Improve their health standards, improve their standard of living, improve their education, improve their skills, give them vocational training, give them education. अब invest किया, क्यों invest करें? To produce more human capital and out of human resources. जो human resources हैं, जो हमारे पास resource हैं, कि हमारे पास population ज़्यादा है, this is our human resource. Resource वो चीज़ जिसे हम लोग use कर रहे हैं. Out of human resources, अब हमें उनमें से वो persons निकालना है जो हमारी capital की तरह काम करें, जिसपे हम पैसा लगाएं और वो बहुत बढ़िया काम करें, ठीक. और investment in human capital. What are the sources of human capital formation? कहाँ कहाँ से human capital formation को हम लोग लेकर आ सकते हैं, कैसे हम लोग form कर सकते हैं? So, sources of human capital formation, any activity which increases man's productivity is a source of human capital formation. कोई भी activity अगर इंसान की productivity को बढ़ाती है, productivity in the sense, एक person जो पहले एक घंटे में एक काम करता था, वो person अब एक घंटे में चार काम कर रहा है, ये है productivity.
प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कितना कैपेबल हो गया है वो, उसको एक काम आता था अब उसको चार काम आते हैं. तो एंड एनी एक्टिविटी विच इंक्रीजेज द मैंस प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब ये कैसे है, किस किस चीज के अंदर हमें पैसा लगाना होगा, हेल्थ में. एक हेल्दी पर्सन अगर काम करेगा तो वो ज्यादा आउटपुट देगा, लेकिन अगर अनहेल्दी पर्सन है तो वो ज्यादा आउटपुट नहीं दे. बीमार आदमी कितना काम कर लेगा, है ना. दूसरा, वी हैव टू गिव देम ट्रेनिंग रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वर्क विच वी हैव टू बी गेट डन फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन. इन्फॉर्मेशन, वी हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन कि यहाँ पे लेबर मार्केट है, यहाँ पे आपको काम अच्छा मिलेगा, यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलेगी, आप यहाँ पे ये चीज सीख सकते हैं. इन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इन सर्च ऑफ गुड सैलरी, इन सर्च ऑफ गुड वर्क, अच्छा काम मिले, अच्छी सैलरी मिले. एंड लास्ट इज एजुकेशन, ई मीन्स एजुकेशन. एजुकेशन में उनको पढ़ाई लिखाई तो स्किल्स बढ़ेंगी उनकी, अपने आप उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीज्ड. एंड देन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अगेन दीज आर द सेम, हेल्थ, ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन एंड एजुकेशन. Now we'll study it one by one. Health. We know that productivity of output, जो output है healthy person का, is always more than unhealthy person. Good. So the output of unhealthy person is less than the output of the healthy person. So health can be improved through, health हम कैसे improve कर सकते हैं, by preventive medicines. Preventive medicines का मतलब अभी बीमारी हुई नहीं है उससे पहले ही हम medicine लगा दें. यू मस्ट हैव सीन पोलियो ड्रॉप्स बचपन में पिला दी जाते हैं कि पैर वैर खराब ना हो, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगते हैं. हम लोग को पहले ही प्रिवेंटिव मेडिसिन दे दी कि ये बीमारी आगे ना आ जाए. दूसरा, क्यूरेटिव मेडिसिन, अगर कोई प्रॉब्लम है, इलनेस है, तो उसको मेडिकल इंटरवीन करना, उसको ठीक करना दवाई देके, क्यूरेटिव मेडिसिन. सोशल मेडिसिन टू स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, लोगों को समझाना कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो. सोशल मेडिसिन लाइक यू कैन से दैट आज की डेट में अगर आप देखो इतने पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो आपकी हेल्थ को कैसे सही किया जा रहा है. यू ऑल आर सिटिंग एट योर होम, दिस इज द सोशल मेडिसिन. गवर्नमेंट इज मेकिंग यू अवेयर ऑफ योर हेल्थ, बेटा घर में रहोगे तो सही रहोगे, राइट. स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, साफ सफाई रहे, साफ पानी आए तो लोग जो है बीमार कम पड़ेंगे. सो डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्थ लेबर फोर्स. नाउ हेल्दी लेबर फोर्स कैसे मिले, जब ये सारी फैसिलिटीज हमको मिल रही है तो डेफिनेटली हेल्थ विल इम्प्रूव एंड प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव. एंड आफ्टर दिस सेकेंड वन इज ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज इंक्रीजेज विद द इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल. अगर कोई मशीन है उसको अगर कोई जो मशीन के बारे में जानता है, दैट पर्सन विल यूज द मशीन, मशीन की जो लाइफ टाइम है वो और बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन कम होगा. बट अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन वो खराब करके आएगा. So here productivity of physical capital, physical capital कितना काम कर सकती है वो depend करता है human capital कितना जानती है उसके बारे में. इसमें दो ways हैं, एक तो workers को हम on the job काम करते करते सिखाते हैं, like we are teaching in our school and we are learning the smart boards. ठीक है, हम काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं. एंड सम वर्कर्स आर सेंट ऑफ कैंपस ट्रेनिंग्स, आपने देखा होगा आपके टीचर्स कई बार सेमिनार्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, वो सीख के आते हैं वहां से, तो उस टाइम पे वो स्कूल में नहीं होते. तो बेनिफिट क्या है, इट इंक्रीजेज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. देन इंफॉर्मेशन, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि लेबर मार्केट कहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी. क्यों, जिससे कि हम लोग डिसीजन अच्छे से ले सकें कि कहाँ कहाँ पे हम पैसा लगाएं कि हमारे जो लेबर फोर्स है वो अच्छे से काम करेगी, और उनका कहाँ कहाँ पे हम यूटिलाइज करें कि कहाँ पे हमें अच्छी लेबर की नीड है. माइग्रेशन, अभी आपको बताया मैंने, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब्स. टेक्निकली क्वालिफाइड लोग जो हैं दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो रूरल एरियाज के हैं वो शहरों में आते हैं. तो इससे क्या होता है, जो भी माइग्रेटेड प्लेस के जो पर्सन अगर माइग्रेटेड प्लेस में आता है उसकी अर्निंग जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो आता है. और एजुकेशन क्या है कि अगर हम लोगों को एजुकेशन देंगे तो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा बढ़ेगा. तो इसके बेनिफिट्स क्या है, अंडरस्टैंड द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, पढ़ा लिखा बंदा उस चेंज को एक्सेप्ट करता है, हायर अर्निंग कैपेसिटी देता है, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करता है और खुद भी नई नई टेक्नोलॉजीज बनाता है. तो ये थे हमारे
जो अभी हम लोगों ने सोर्सेस पढ़े कि कहाँ कहाँ से हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं. तो मैं अभी अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड एन्जॉय इट. सो ऑल द बेस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट.